हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। इन टुडे सेशन फॉर 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। टोटल 9 मार्क्स आर गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब ये जो 9 मार्क्स है उसमें से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और बाकी के 8 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अब 8 मार्क में जैसे आपने एडमिशन में किया था कि जहाँ पे आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाते थे, वैसे ही इस एग्जांपल में ऑलमोस्ट सिमिलर काम ही करना है। सिर्फ थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस बार मैं आपको इलास्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा आपको मेन एक्सरसाइज करवाऊंगा और जहां जहां भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं हम वहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेशन। एग्जांपल नंबर 5, धवल, कमल एंड नवल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब उनका जो पुराना रेशियो है वो यहाँ पे दिया है, कितना है 2:2:1, ये आपको अंडरलाइन करना है। फिर नवल रिटायर्स, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, नवल रिटायर हो रहा है, तो आपको नवल के ट्रांजेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आगे द बैलेंस शीट यहाँ पे दी है, फिर हम सीधे चले जाएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट देखो, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मशीनरी के बाजू में एक नंबर और स्टॉक के बाजू में एक नंबर लिख दूंगा कि जब भी मैं ये कैलकुलेशन करूं तो मुझको क्या करना है, यहां पे एडजस्टमेंट करना है। आगे देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 विच इज टेकन बाय नवल। तो मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट के बाजू में नंबर 2 और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी नंबर 2 दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है या तो फिर डिक्रीज हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर प्लेएबल। मतलब हमको क्या करना है, पहले जो क्रेडिटर्स को पे करने थे उसमें से अब ₹5,000 कम करने हैं, तो मैंने क्रेडिटर्स के बाजू में 3 नंबर लिख दिया। देन द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज टू बी क्रेडिटेड ₹2,000। अब यहां पे मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन कैपिटल और लायबिलिटी साइड पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट को टिक कर दूंगा कि मुझे पता चले कि मुझे ये स्पेसिफिक एडमिशन एडजस्टमेंट को प्रॉपरली करना है। देन नंबर 5, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के पास में नंबर 5 लिखेंगे और साथ ही साथ जो आपके बैड डेट आपने यहाँ पे लिखे हैं उसके पास भी नंबर 5 लिख लो। और गुडविल या तो फिर कैपिटल, इसके रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो हम लास्ट में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे और जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया उसमें बहुत सिमिलैरिटी है, ऑलमोस्ट समझ लो कि 8 में से 6 मार्क्स जो मैं अभी फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ अगर आप करोगे तो क्लियरली 8 में से 6 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको गुडविल या तो फिर रिटायरमेंट के रिलेटेड एंट्रीज नहीं आती फिर भी फॉर्मेट में रख के आप 8 में से 6 मार्क कवर कर सकते हो, जस्ट ये मेथड फॉलो करना। ओके, तो ये गुडविल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ये हम करेंगे लास्ट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड पे सबसे पहली चीज क्या लिखी है, कैपिटल अकाउंट्स, मतलब ये बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो हम फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का बैलेंस बोलो, तो पहले पार्टनर का ₹30,000, सेकेंड पार्टनर का ₹20,000 और थर्ड पार्टनर का ₹10,000। तो मैंने बैलेंस यहां पे फॉरवर्ड कर दिया। उसके ही नीचे क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। तो यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व।
अब आपको पता है कि जब हम गुडविल, जनरल रिजर्व या तो फिर कोई भी ऐसी रिजर्व हो के जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब यहां पे देखो टोटल जनरल रिजर्व कितने रुपए की है, 5,000 रुपीज की। तो क्या करेंगे, पहले तो 5,000 इंटू, अब उनका रेट क्या है वो देखो, 2:2:1, दैट मीन्स 2 और 2 4 प्लस 1, मतलब 5 हुआ। सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो मुझे ये पहले पार्टनर्स का मिला कितना है, धवल का 2,000 रुपीज। सेकेंड कमल का भी सेम आएगा क्योंकि उसका भी रेशियो 2 का ही है। अब थर्ड पार्टनर का कितना होगा, 2 और 2 4 हो गए, 5,000 में से 4 माइनस करो तो भी आपको मिल जाएगा कि 1,000 रुपीज उसकी जनरल रिजर्व होगी। तो मैंने ये क्या किया, जनरल रिजर्व को यहां पे ट्रांसफर कर दिया और पुराने पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेच दिया। ओके, आगे देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बैड डेट रिजर्व और क्रेडिटर्स, इसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले गुडविल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले देखो ये जो गुडविल है और ये वाली, दोनों में डिफरेंस है। ये गुडविल जो फर्म की ऑलरेडी गुडविल थी वो है, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये असेट साइड है, उसको कहां पे ले आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। यहां पे लिखेंगे टू गुडविल, गुडविल की टोटल अमाउंट है 10,000 रुपीज। अब उनका रेशियो देखो, 2:2:1, सो 2 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 4,000। सेकेंड पार्टनर का भी 2 का ही रेशियो है तो 4,000 आ जाएगा, और थर्ड पार्टनर का 1 का है, दैट मीन्स इसकी हाफ वैल्यू 2,000 रुपीज आ जाएगी। ओके, तो यहां तक आपको इजीली पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया। आगे दिया है मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक, इन चारों के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। तो कैश एंड बैंक का हमने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया है, तो उसमें ले आएंगे। कैश अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये आपने बहुत बार सुना होगा और आपको पता भी है। तो एस कैश इज अवर असेट्स, असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस कितना आएगा, 5,000 रुपीज, तो मैंने यहां पे 5,000 लिख दिए। ओके, अब वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। लेट्स सी एडजस्टमेंट नंबर वन, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000। अब मशीनरी की यहां पे देखो तो वैल्यू क्या दी है, 20,000, उसको मुझे कितना करना है, 25,000 रुपीज करना है। तो असेट साइड पे सबसे पहले बैलेंस शीट में आएगी आपकी मशीनरी, यहां पे लिखेंगे मशीनरी, बैलेंस शीट में कितनी दी है, 20,000 रुपीज। उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज बाय ₹5,000 और टोटल बाहर आएगा 25,000। अब मैं यहां पे बच्चों को क्या करवाता हूं कि आप ऐसा मत सोचो कि इंक्रीज हुआ तो इस साइड पे लिखो, डिक्रीज हुआ तो इस साइड पे लिखो। आपको ये सोचना है कि अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुए और इंक्रीज होगी तो ये आपके लिए फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है। तो जैसे कि आप सोचो कि पहले 20,000 वैल्यू थी, अब 25,000 हो गई, तो ये तो आपके लिए फायदे की चीज है। तो जो भी चीज में आपका फायदा है वो आप कहाँ पे लिखोगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। याद रखना कहां पे लिखोगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। अब जितनी वैल्यू आपने इंक्रीज की है वो यहां पे लिखो, 5,000 रुपीज, तो मैंने यहां पे 5,000 लिख दिए। आगे स्टॉक के रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन है, देखो स्टॉक इज ₹5,000। अब स्टॉक की वैल्यू यहां पे कितनी है, 10,000, लिखेंगे स्टॉक, बैलेंस शीट में दिया है 10,000 रुपीज। उसमें से हमें करना है कितना, 5,000 इसको रखना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 5,000। तो अब डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, तो 5,000 आएगा, 5,000 से डिक्रीज करेंगे। चलो ये ट्रांजेक्शन हो गया, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में सोचो कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू 10,000 थी और वो कम होके 5,000 हो गई, तो ये आपके लिए फायदे की चीज है या नुकसान की।
तो ये नुकसान की चीज है, तो नुकसान की चीज है तो कहां पे लिखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में लिखेंगे डिक्रीज्ड अमाउंट 5000, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000 विच इज टेकन एट दिस प्राइस, वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की 10000 रुपीज। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे यहां पे कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले जा रहा है। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं इन्वेस्टमेंट जो टोटल 10000 की वैल्यू थी वो 8000 में ले गया, अब मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा डैश। अब जो भी पार्टनर असेट साइड से कोई भी चीजें लेके जाता है, ओके, असेट साइड से कोई भी चीज लेके जाता है तो वो कहां पे आता है, उसके डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट में। तो कौन सा पार्टनर ले गया, नवल ले गया, तो नवल के अकाउंट में यहां पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, ओके। अब धवल नहीं ले गया, कमल नहीं ले गया, नवल ले गया 8000 रुपीज में, तो वो मैंने यहां पे लिख दिए 8000। पर इसके साथ मैंने एक और चीज आपको बोली थी कि आपको एडजस्टमेंट नंबर टू में जब इन्वेस्टमेंट देखो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी बहुत ध्यान से देखना है। तो यहां पे दिया है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2500, अब टोटल अमाउंट थी 10000, उसमें से 8000 माइनस करो, कितने बचे 2000 रुपीज बचे। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 12500 रुपीज, तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2500 में से आप क्या करोगे 2000 रुपीज माइनस कर दोगे, फिर भी आपके पास 500 रुपए जो आपका लॉस था वो आपने रिडीम किया, सॉरी 2000 का लॉस था वो आपने रिडीम किया, फिर भी आपके पास 500 रुपए बच रहे हैं। तो ये 500 रुपीज जो आपके पास है उसको क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमोंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, कितनी वैल्यू बची 500 रुपीज। अब रेशियो क्या है 2:2:1, टोटल इज 5, तो पहले पार्टनर को मिलेगा 200 रुपीज, सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 200 और थर्ड पार्टनर को यहां पे मिल जाएगा 100 रुपीज, ओके। अब आगे देखो, एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल, क्रेडिटर्स कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड, यहां पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 15500 रुपीज, अब यहां पे मुझे क्या करना है, डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कितने रुपए का क्रेडिटर्स कम हो रहा है 5000 रुपीज, तो 5000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में आपकी वैल्यू आ जाएगी 10050 रुपीज, क्लियर, ओके। अब क्रेडिटर्स का सोचो कि अगर आपके पास पहले 15000 के क्रेडिटर्स थे जिसको आपको पैसे देने थे, अब 15000 कम हुए और उसकी जगह पे कितने हो गए 10050 हो गए, तो ये आपके लिए फायदे की चीज है कि नुकसान की, तो फायदे की, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो फायदे की चीज, तो कहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज, वो मैंने यहां पे लिख दी। देन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू केप्ट एट 10%, सॉरी यहां पे फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा रह गया, वो लिख लेते हैं पहले, द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज टू बी क्रेडिटेड 2000 रुपीज। अब ये क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन ऑलमोस्ट क्या होता है, हर एग्जांपल में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ होता है, पर इस बार ये चीज यहां पे नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें क्या करना है, जैसे लायबिलिटी साइड पे आता था वैसे ही हम लायबिलिटी साइड पे ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 रुपीज का किसी एक वर्कर ने क्लेम किया होगा, अगर क्लेम है तो ये आपकी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कितनी वैल्यू लेनी थी 2000 रुपीज, मैंने यहां पे लिख दिया 2000। साथ ही साथ आपको यह सोचना है इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगी, तो सेकेंड इफेक्ट देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, क्या लिखेंगे,
तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज योर लायबिलिटी। अब लायबिलिटी आपनी आपकी इंक्रीज हुई, इससे बिजनेस को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने यहां पे बहुत छोटा लिखा है, आप अच्छे से पूरा नाम लिखना तो आपको ये अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स यहां पे लिखेंगे, डेटर्स की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी दी है, डेटर्स की वैल्यू है 30,000 रुपीज। मैंने यहां पे इनर कॉलम में लिख दिया 30,000। उसमें से मैं क्या करूंगा, बैड डेट रिजर्व माइनस करूंगा। तो बैड डेट रिजर्व मुझे कितना करना है, 10%। तो 30,000 के 10% कितने हो जाएंगे, 3,000 रुपीज। आउटर कॉलम में आपकी वैल्यू आ जाएगी 27,000 रुपीज। 27 में आउटर कॉलम में ले आया। आगे देखो, अब बैड डेट रिजर्व लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी है, कितने रुपए की है, 2,000 रुपीज की। इट मींस 2,000 रुपए तो हमारे पास ऑलरेडी हमने रिजर्व करके रखे थे, तो अब हमने एक्स्ट्रा कितने किए, सिर्फ 1,000। यहां पे टोटल 3 है, ऑलरेडी हमारे पास 2 यहां पे थे, तो क्या करेंगे, 1,000 रुपीज और ऐड करेंगे। अब नई बैड डेट रिजर्व कर रहे हो तो ये बिजनेस के लिए नुकसान की बात है, तो नुकसान की बात है तो आपको पता है आपका कहां पे लिखना है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ओनली 1,000। मैंने क्या किया, 3,000 में से 2,000 यहां के माइनस कर दिए। ओके, ये आपको पता चला। चलो आगे बढ़ेंगे, हमने यहां पे सारे एडजस्टमेंट कर लिए, जो जो बैलेंसेस हमारे बाकी थे वो सब हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिए। ओके, सो अब वन बाय वन हमें क्या करना है, अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे देखो, 5 + 2 = 8, 5 + 2 = 7, + 1 दैट मींस 8,000 आ रहा है, और यहां पे 10,000 आ रहा है, तो इस साइड का बैलेंस क्लोज करेंगे। मैंने लिख दिया बैलेंस 10,000 रुपीज, यहां पे टोटल फॉरवर्ड करेंगे 10,000। अब 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2,000 रुपीज बचे। ओके, अब ये जो है, दिस इज देयर प्रॉफिट विच इज गोइंग टू बी शेयर्ड अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद रखना। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, या तो ट्रू प्रॉफिट लिखो या तो टू कैपिटल लिखो, दोनों करेक्ट है, कोई गलती नहीं होगी आपसे। 2,000 रुपीज थे, उसमें से रेशियो क्या है, 2:2:1, सो इनटू 2 / 5। ये तो आपको पता है कैसे करते हैं। तो पहले पार्टनर का आपके पास आ गया 800 रुपीज, सेकेंड का भी 2 का रेशियो है तो उसको भी 800 मिलेगा, और थर्ड पार्टनर का 1 का रेशियो है तो हाफ वैल्यू हो जाएगी, कितना होगा, 400 रुपीज। आगे देखो, मैंने यहां पे क्या कर दिया, नाम लिख दिया धवल, कमल एंड नवल। ओके, तीनों की वैल्यू यहां पे आ गई, इसका टोटल आउटर कॉलम में आ गया है। अब ये जो प्रॉफिट है वो कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से सीधा आ जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहां पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 800 रुपीज, 800 रुपीज एंड 400 रुपीज। चलो, ये बैलेंस मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारा एक एडजस्टमेंट बच्चों बाकी था, कौन सा वाला, गुडविल का। अब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 40,000 रुपीज। यहां पे बहुत ध्यान से देखना, जरा भी गलती मत करना। अब हम मेन टॉपिक, अगर इतना कर दोगे तो 6 मार्क तो पक्के ही है आपके, मैंने जितना ट्रांसफर किया वो सब। सिर्फ आपका गुडविल का पॉइंट बाकी है, तो 8 में से 6 तो आपके पक्के हो गए यहाँ पे, पर गुडविल का पॉइंट बहुत इजी है। ध्यान से देखो, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, फर्म की टोटल गुडविल है 40,000 रुपीज। तो यहां पे मैंने लिख दिया टोटल गुडविल इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। अब मुझे क्या करना है, कौन सा पार्टनर जा रहा है, तो यहां पे देखो कौन, नवल जा रहा है, तो नवल का ही शेयर ढूंढेंगे ना। सो नवल्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय,
उसका रेशियो क्या था 1/5, तो यहां पे लिख देंगे 1/5। अब 40,000 के 1/5 कितने होंगे इनटू 1/5 8,000 रुपीज। तो नवल के शेयर में मैंने लिख दिए 8,000। चलो अब जैसे हम एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे, क्योंकि नया पार्टनर आता था तो जो जो पुराने पार्टनर्स थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या है कि एक पार्टनर आपका जा रहा है, अब जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 3 की जगह पे 2 पार्टनर्स में शेयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 पार्टनर्स में शेयर हो रहा है तो जो तीसरा हिस्सा है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड एज गेन इन द बिजनेस, ये गेन है। तो जब भी हम रिटायरमेंट का एग्जाम्पल करेंगे हम गेन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब गेन फाइंड आउट करने के 3 वे है। सबसे पहला, क्या आपके पास पुराना और नया रेशियो है? चलो फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन खुद को पूछो, क्या आपके पास पुराना और नया रेशियो है जो जिससे आप क्या कर सकते हो, गेन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपके पास पुराना रेशियो तो है पर नया रेशियो यहाँ पे कोई जगह पे नहीं लिखा, तो चलो ये चीज नहीं है आपके पास। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि ये पार्टनर इतना इसको देगा, ये पार्टनर इसको इतना देगा, ये भी चीज यहाँ पे नहीं लिखी। तो ये 2 मेथड्स से हम कर सकते हैं, और अगर ये दोनों मेथड नहीं है तो तीसरी मेथड कौन सी, जो उनका पुराना रेशियो है। ओके, तो जो बाकी के पार्टनर्स का रह गया रिमेनिंग रेशियो विल बिकम देयर न्यू गेनिंग रेशियो। तो यहां पे 2 पार्टनर्स बचे, धवल एंड कमल, रेशियो उनका हुआ 2:2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं द न्यू रेशियो और द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, एस देयर आर नो अदर रेशियोज आर गिवन, तो ये हो गया आपका 2:2। इसको भी अगर आपको इजीली लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, 1:1 का रेशियो में आपको क्या करना है, गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो अब नवल जो है वो 8,000 रुपीज ले जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत इजी एग्जांपल, वो ले जा रहा है, यहाँ पे भी देखो ये सारी चीजें वो लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है तो कौन सी साइड पे हम लिखते हैं, ऑन क्रेडिट साइड। तो ये चीज भी हम कहां पे लिखेंगे, ऑन क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या लिखेंगे, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। अब नवल कितने ले जा रहा है, 8,000 रुपीज। कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो नवल को पैसे देंगे, तो 2 पार्टनर्स हैं हमारे, कौन से, धवल, सो धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, धवल में कितने चले जाएंगे, अब 1:1 का रेशियो है तो इन दोनों की हाफ वैल्यू कर दो, तो 4,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। तो ऐसे हमने क्या किया, जो भी गुडविल था ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट साइड पे आ जाओ, धवल के कैपिटल अकाउंट में, तो धवल के कैपिटल अकाउंट में कितने लिखेंगे, 4,000 रुपीज। वैसे ही कमल के कैपिटल अकाउंट में कितने लिखेंगे, 4,000 रुपीज। ये दोनों हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा डैश। नेम क्या आएगा, देखो अदर साइड पे कौन सा नेम है, नवल्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे नवल के कैपिटल अकाउंट में, टोटल वैल्यू कितनी देनी है, 8,000 रुपीज, पर 2 पार्टनर्स लेके आएंगे, तो यहां पे लिखेंगे बाय, मैं धवल पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ लिखूंगा दीस कैपिटल, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ गई है हमें, और यहां पे लिखेंगे बाय केस कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके चलो, तो दोनों में नवल के कॉलम में वैल्यू लिखेंगे 4,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, कोई भी चीज बाकी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करो। अब सबसे पहले आपका कौन सा पार्टनर जा रहा है वो देखेंगे, तो नवल जा रहा है, तो सबसे पहले नवल का टोटल करो, क्रेडिट साइड का 10,000 प्लस 1,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज प्लस 400 रुपीज प्लस 4,000 एंड प्लस 4,000, टोटल कितना आया,
19,500 रुपीज़। मैंने यहाँ पे लिख दिया 19,500। ओके, डेबिट साइड पे वही बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे 19,500, उसमें से 2,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज माइनस करेंगे, कितना बचा 9,500। अब ये 9,500 बचा तो वो क्या करेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली चीज, अगर पार्टनर्स को इसमें से कोई फंड आपके पास पड़े हैं और अगर आपको कैश में देना है तो आप दे सकते हो, पर दूसरी चीज ये है कि अगर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें ऑलवेज क्या रिमेंबर करना है, ये हो गई नवल्स लोन। ओके, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो लिखेंगे टू नवल्स लोन। अब नवल की लोन में कितना आ जाएगा, 9,500। नाउ द लोन इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो इसको लिखेंगे कौन सी साइड पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे नवल्स लोन। क्या लिखेंगे, नवल्स लोन अकाउंट। जितना बैलेंस बचा था वो हमने सारा फॉरवर्ड कर दिया यहां पे 9,500। ओके, अब बाकी क्या रहा, बस जो जो टोटल बाकी है वो पूरा करो। तो सबसे पहले हम बाकी के जो जो अकाउंट्स हैं उनका टोटल कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम धवल्स अकाउंट। तो धवल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड के टोटल करेंगे 30,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800, टोटल हुआ 33,000। मैंने यहाँ पे लिखा 33,000, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया, उसमें से 4 प्लस 4 मतलब 8,000 रुपीज हम माइनस करेंगे, तो ये 25,000 हुए। वो क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस कैरी फॉर होगा उनके कैपिटल अकाउंट्स में। वैसे ही यहाँ पे 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800, इसका टोटल करेंगे, टोटल बचा कितना आपका 23,000। 23,000 यहाँ पे लिख दो, उसमें से वैल्यू माइनस करो टोटल 8,000 रुपीज। 8,000 माइनस किए, कितना बचा 15,000। अब ये 15,000 आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। ये दोनों बैलेंस जो आपको फॉरवर्ड करने हैं वो आप कहाँ पे करोगे, बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला पार्टनर है आपका धवल, दूसरा पार्टनर है आपका कमल। अब धवल के अकाउंट में आपको कितने लिखने हैं, 25,000, और कमल के अकाउंट में कितने लिखने हैं, 15,000। टोटल करो, इसका टोटल आ जाएगा 40,000। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट को क्लोज करना है। कैश अकाउंट का बैलेंस हुआ 5,000 रुपीज, क्रेडिट साइड पे कोई भी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5,000। अब ये जो हमने फॉरवर्ड किया असेट साइड पे आएगा, बिकॉज कैश एंड बैंक अकाउंट्स बैलेंस इज अवर असेट्स। यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट 5,000। ओके, अब सारा हो गया है, सब कुछ हो गया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है। सबसे पहले टोटल करेंगे बैलेंस शीट साइड का कैपिटल एंड लायबिलिटीज का, 40,000 प्लस 9,500 प्लस 10,050 प्लस 2,000 रुपीज, कितना हुआ 61,550 रुपीज। ओके, अब वैसे ही क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। तो अब सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड का टोटल, अब वैसे ही हम करेंगे असेट साइड का टोटल, 25,000 रुपीज प्लस 5,000 प्लस 27,000 प्लस 5,000, टोटल आया 62,000। ओके, अब यहाँ पे देखो एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे है 61,550 और यहाँ पे है 62,000 रुपीज। मतलब सारी एंट्री करेक्ट करने बाद अगर आपके पास कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कौन से अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे आपका टोटल जो परफेक्ट आ रहा है 62,000, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 62,000 रुपीज। अब डेबिट्स, ये जो हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटी सेट का था उतना, उसका कितना था 61,550, वो माइनस करो, कितने बचे 450 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये पॉसिबिलिटी है, एग्जाम्पल में आपको ये चीज भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 450 रुपीज हमने ट्रांसफर की है। चलो ये हो गया, तो ये आपका था जो एग्जाम्पल नंबर 5।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार। आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज ऑन द पेज नंबर 265। रिमेंबर इट। ओके, ये लिख लो और इसके रिलेटेड आप एक इलास्ट्रेशन भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो देख लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, आज कोई एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे। आपको क्या करना है, यही एग्जाम्पल अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है और ट्राई करना है कि ये आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।